नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कमल जोशी और आप देख रहे हैं cheers.com। बात है 1948 की। जलंधर के हरी वल्लभ संगीत समारोह में भीमसेन जोशी को आमंत्रित किया गया था। वहां मशहूर सितार वादक उस्ताद रईस खान भी थे। कार्यक्रम चल रहा था, लेकिन तलब तो तलब होती है। पंडित जी को शराब की तलब लग गई और जोशी जी एकाएक अपने दो शागिर्दों को लेकर पीने के लिए गायब हो गए। सब अचंभे में थे कि पंडित जी कहाँ गए। आयोजकों ने सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई कि पंडाल में मौजूद 20,000 श्रोताओं के सामने किसे पेश किया जाए। आयोजकों ने मजबूर होकर रईस खां से विनती करके उन्हें सितार बजाने के लिए राजी किया कि किसी तरह कार्यक्रम चलता रहे। उनका वादन शुरू ही हुआ था कि अचानक शोरगुल सुनाई पड़ा। खां साहब लगे रहे यह समझकर कि श्रोताओं पर उनके वादन का रंग चढ़ रहा है, पर इतने में स्टेज के दाएं तरफ से पैसेज से भीमसेन जोशी नजर आए। शोरगुल की वजह यही थी कि श्रोताओं ने उन्हें देख लिया था। आयोजकों को लगा कि अब अगर पंडित जी को श्रोताओं की नज़र से दूर नहीं किया गया तो पंडाल में बवाल मच जाएगा। इतने में ही दो अनहोनी बातें हो गईं। एक तो रईस खां के सितार का तार टूट गया और दूसरे भीमसेन दूसरी बार स्टेज के बाएं पैसेज पर प्रकट हुए। फिर क्या था, उन्हें देखते ही पूरा पंडाल तालियों से गड़गड़ाहट से गूंज उठा। रईस खां ने समझा कि उन्हें सुनकर श्रोता खुशी जाहिर कर रहे हैं। वह अब तक टूटा तार लगाने में लगे थे, अभी तक उन्हें हालात का सही जायज़ा नहीं मिल रहा था, पर श्रोताओं के बढ़ते हंगामे से आखिर उन्हें हकीकत समझ में आ गई गई। उन्हें हाथ जोड़कर श्रोताओं से माफ़ी मांगते हुए कहा, अगर आप सुनना चाहेंगे तभी हम बजाएंगे, अन्यथा स्टेज से विदा हो लेंगे। पर श्रोताओं पर तो भीमसेन का भूत सवार था। वे चिल्ला उठे, अब हम पंडित जी को सुनना चाहते हैं, केवल पंडित जी को। कहते हैं कि एक ना एक ऐप हसीनों में भी हुआ करता है। जोशी जी जैसे धुरंधर गायक में अगर कोई ऐप था तो वह उनका सुरा प्रेम। इस बारे में लता मंगेशकर ने स्वयं अपना अनुभव सुनाते हुए कहा कि कभी कभी देर रात में फ़ोन की घंटी बजती, इस बेवक्त में कौन शहनाई बजा रहा है, झल्लाती हुई रिसीवर उठाती हूँ, उधर से मेरे बाबा पिता दीनानाथ मंगेशकर के नाट्य गीतों का गान सुनाई देता है। सुरा भी बंद ले, आवाज़ पहचानने की ज़रूरत नहीं, ऐसी आवाज़ एक ही है। देर रात तक भीमसेन मेरे बाबा का संगीत सुनाते रहते और मैं वाह वाह करती रहती। इससे पता चलता है कि सुरा से ज़्यादा उन पर सुर का नशा चढ़ा रहता था। वास्तव में सुर का नशा सब नशों से गाढ़ा होता है। दरअसल भीमसेन का सुरा प्रेम नहीं था। तनावपूर्ण पारिवारिक माहौल के चलते उससे उबरने के खातिर वह शराब का सहारा लेने लगे थे, जो धीरे धीरे आदत बन गई। नशे की हालत में भी कोई गा सकता है, वह भी सुर और लय में, यह कोई करिश्मा नहीं था। भीमसेन जोशी के ये किस्से निकले हैं कालजयी सुर किताब से, जो उनकी जीवनी है, जिसे लिखा है गजेंद्र नारायण सिंह ने और प्रकाशित किया है वाणी प्रकाशन ने। ऐसे ही दिलचस्प किस्से सुनने के लिए हमारे YouTube को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। नमस्कार।